नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार पुलिस जवानों को अब पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स में मिलेगी ट्रेनिंग। बिहार पुलिस अफसरों को अब पूर्व आर्मी और पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के अफसर ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके लिए अफसरों का पैनल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक आर्मी और पैरामिलिट्री के अलावा इस जगह पर प्रशिक्षण देने के लिए इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के रैंक वाले पुलिस के अफसरों का भी पैनल बनाया गया है, जो पुलिस के जवान को बेसिक ट्रेनिंग और प्रोन्नति के देने का काम करने वाले हैं। ट्रेनिंग के कार्य को पूरा करने के लिए एक समिति और पूरी नियमावली बनकर तैयार हो गई है। अब इसे डीजीपी स्तर से मंजूर होना बाकी है। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग में कई बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बारिश का पानी जमा करने के लिए तालाब बनाने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपना बयान जारी करते हुए बिहार में बारिश के पानी को जमा करने के लिए तालाब बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि इसके लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी, सरकार अपनी तरफ से उसे जरूर मुहैया करवाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही उन्होंने इन तालाब के बन जाने से जल संकट के दूर होने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास जल संरक्षण के लिए जो तालाब बनाए गए हैं, वो अपने आप में ही अद्भुत है। बिहार में पुलिस और जेल कर्मियों को वैक्सीन देने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में टीकाकरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोरोना के इस माहौल में लड़ाई के खिलाफ शुरू से जुड़े फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल पुलिसकर्मी को भी टीका देने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, जेल कर्मियों को भी इसके साथ ही टीका देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पुलिस और जेल के अधिकारी से लेकर हर एक कर्मी का डेटा तैयार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार डेटाबेस में नाम, पद, फोन नंबर, पहचान पत्र और तैनाती का जिक्र किया गया है। जानकारों की माने तो बिहार में पुलिस फोर्स की संख्या 80,000 से ज्यादा है। किसान आंदोलन के समर्थन में लोहड़ी नहीं मनाने का सिख समुदाय ने किया ऐलान। देश भर के कई हिस्सों में वर्तमान समय में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अब किसानों का समर्थन करने जमशेदपुर के सिख समुदाय भी उतर चुके हैं, जिसके तहत इस बार जमशेदपुर में रहने वाले सभी सिख समुदाय ने लोहड़ी मनाने से साफ इनकार कर दिया है। सिख संगठन ने घोषणा की है कि उनके सदस्य अब लोहड़ी के जश्न को नहीं मनाने वाले हैं। अन्नदाता कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में लोहड़ी का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। मिली जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव सतनाम सिंह गंभीर ने कहा है कि किसानों के समर्थन में लोहड़ी नहीं मनाने का फैसला लिया गया है। लोहड़ी नहीं मनाकर फेडरेशन सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान जान की परवाह किए बिना 41 दिनों से आंदोलनरत है, ऐसे में लोहड़ी का जश्न का सवाल ही नहीं उठता है। पटना सिविल कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। पटना सिविल कोर्ट ने बीते दिनों ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सभी कर्मचारी को घूस लेने का आरोप लगाकर यह फैसला लिया गया है। एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेश करो और अन्य कर्मियों का अभियुक्तों के साथ लेन देन के कारण पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सूत्रों की माने तो सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, यह पूरा मामला कैश फॉर जस्टिस के नाम से काफी चर्चित हुआ था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दीपाली किशोर की। दीपाली किशोर का जन्म आज ही के दिन राजधानी पटना में हुआ था। दीपाली किशोर एक भारतीय गायिका है। वो इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी थी। वो बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी दिखाई दे चुकी है और फिल्म लक्ष्य से एक समूह गीत का प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। उन्होंने फिल्म डॉन मधुस्वामी के एक गाने को भी गाया है, जो कि अनु मलिक द्वारा रचित गीत आई लव यू है। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 में मयंक चांग के साथ ऑडिशन और रेबुरोस की मेजबानी की है। उन्होंने एक म्यूजिक शो भारत की शान सिंगिंग स्टार ऑन डीडी नेशनल का आभास जोशी के साथ होस्ट भी किया है। वैक्सीन को लेकर बयानबाजी करने वालों को भाजपा ने दिया जवाब। पूरे देश में वर्तमान समय में वैक्सीन के ड्राई रन का काम चल रहा है। वहीं इसी बीच वैक्सीन को लेकर विपक्ष दलों द्वारा तरह तरह के बयानबाजी भी खुलकर सामने आए हैं, जिसके तहत भाजपा की तरफ से भी बेतुके बयानबाजी करने वालों को करारा जवाब दिया गया है। वहीं इसी बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाजपा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने कोवैक्सीन को लेकर समाज को जागृत करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। कोरोना के टीका टिप्पणी करने वालों को यह करारा जवाब है। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर चौरसिया पहले विधायक हैं, जिन्होंने न केवल कोरोना की जंग जीती है, बल्कि कोरोना का टीका लेकर लोगों को नया संदेश दिया है। नल जल योजना की राशि गबन करना पड़ा महंगा। बिहार में नल जल योजना को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं कई ऐसे अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने नल जल योजना को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की है। वहीं अब ऐसे अधिकारियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है, जिसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में नल जल योजना की राशि में गबन का मामला सामने आने के बाद
वार्ड सचिव एवं वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन लोगों पर कई लाख रुपए गबन करने का मामला दर्ज किया गया है। छपरा पहुंचते ही एक्शन मोड में दिखे मनु महाराज। सारण के उप महानिरीक्षक के रूप में पहचाने जाने वाले मनु महाराज बीते दिन शाम छपरा पहुंचे थे। जहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपना पदभार ग्रहण किया। छपरा पहुंच पदभार ग्रहण करते ही डीआईजी मनु महाराज एक्शन मोड में देखने को मिले। देर रात मनु महाराज छपरा शहर की सड़क पर पैदल मार्च करते नजर आए। उनके साथ ही पुलिस जवानों की पूरी टीम थी। डीआईजी मनु महाराज के इस एक्शन की पूरे सारण में चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर अप्रिय वाक्यों पर लगाम लगाने की बात भी कही है। शक्ति सिंह गोहिल की जगह नियुक्त हुए नए बिहार प्रभारी। शक्ति सिंह गोहिल की इच्छा के अनुसार उन्हें बिहार प्रभारी के पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद यह जिम्मेदारी अब भक्त चरण दास को दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भक्त चरण दास वर्तमान समय में मिजोरम और मणिपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं शक्ति सिंह गोहिल की बात करें तो अभी वर्तमान समय में वो दिल्ली के पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि कुछ जिम्मेदारियों का बोझ घटाया जाए और बिहार के प्रभाव से मुझे मुक्त किया जाए और मुझे कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए। हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकते हैं कई बदलाव। हम पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जानकारों की माने तो आज पार्टी के मुखिया पार्टी की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हम के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पटना स्थित सरकारी आवास पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। संतोष सुमन हम की ओर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अकेले मंत्री हैं। वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना के टीके को लेकर अपना बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया था कि वो कोरोना के वैक्सीन को नहीं लगवाने वाले हैं, क्योंकि यह वैक्सीन भाजपाई ने बनवाई है और इन्हें इस पर जरा भी भरोसा नहीं है, जिसको लेकर काफी विवाद भी शुरू हो गया था। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि किसी को कुछ बोलने की आदत होती है, बोलने से उनकी खबर छपती है, इसकी वजह से ही लोग बोलते हैं, पर जिसको जो बोलना है बोलता रहे, इससे हमें कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को सजग रहना है, सबको स्वस्थ रखना हमारी प्राथमिकता है। राजद ने अपराध को लेकर फिर कही अहम बात। बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को लेकर राजद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधती नजर आई है। वहीं अब एक बार फिर से राजद ने आज सुबह सुबह भाजपा और नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत राजद की तरफ से आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि अपराधी तो भाजपा की नीतीश सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। आरसीपी टैक्स वालों को अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अपराध अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि आरसीपी टैक्स अंतर्गत ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे अपराध की खुली छूट मिलेगी, तभी वो ट्रांसफर से दी गई भेंट को वसूलने का काम करेगा। नए विज्ञापन में नजर आई अनुष्का शर्मा। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक नया विज्ञापन शूट किया है, जिसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। वीडियो में गर्भवती अनुष्का को सोफे पर लेटते हुए देखा गया है, जो नींद की एक झपकी के लिए बेताब है। कुछ कागजी कार्रवाई के लिए बाहर जाने की इच्छा न होने पर उन्हें पता चलता है कि वो इसे फोन पर ही कर सकती हैं, उनका काम फोन पर ही पूरा हो सकता है। इसके बाद वो सोफे पर काम करती हैं और प्रेगनेंसी का ख्याल रखती नजर आती हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले साल विराट और अनुष्का ने पेरेंट्स बनने की खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। आईपीएल 2021 के लिए फरवरी में होगी नीलामी। पिछले 10 महीने से कोरोना के कारण ग्राउंड पर खिलाड़ियों के बल्ले की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हालांकि अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मैच का हिस्सा बनना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब भारत के स्टेडियम में भी खिलाड़ियों और दर्शकों की गूंज सुनाई देने वाली है। वहीं इस साल आईपीएल का आयोजन भी होने वाला है, जिसको लेकर नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। जानकारों की माने तो 4 जनवरी को बीसीसीआई को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आईपीएल के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। टीमों को यह निर्देश दिया गया है कि खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया फरवरी के अंत तक करवाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस साल आईपीएल का आयोजन भारत में करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।